दोस्तों, बोरी मोहल्ला के पाकमोड़िया स्ट्रीट की हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिर खाना मस्जिद आजकल बड़ी चर्चा में है। जब से जुमा मस्जिद मुंबई के ट्रस्टी शुएब खातिब साहब ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल किया था कि SBUT के जिम्मेदारान म्हाड़ा और BMC के ऑफिसर के साथ मिलकर इस मस्जिद को शहीद करने का नापाक इरादा रखते हैं, तब से न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र की कई सियासी गलियारों में एक भौचाल सा आ गया है। शोएब खतीब का मैसेज पढ़ने के बाद सोशल एक्टिविस्ट प्रोफेसर सईद खान साहब ने लोकल MLA जनाब अमीन पटेल को SMS करके उनका ध्यान इस तरफ दिलाया। तो अमीन पटेल ने म्हाड़ा के अधिकारियों और SBUT के लोगों से बात की और कहा कि वो ये मुद्दा असेंबली में उठाएंगे, और उन्होंने ये मुद्दा उठाया भी, जिस पर असेंबली स्पीकर श्री राहुल नार्वेकर ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के आदेश दिया कि इस मस्जिद की हिफाजत की जाए और उसे रिकंस्ट्रक्ट करके मजबूती दी जाए। उसके बाद एक्स मिनिस्टर आरिफ नसीम खान ने मस्जिद का दौरा किया, फिर अमीन पटेल और मलाड से MLA असलम शेख ने एक साथ दौरा किया। उसी रोज स्पीकर नार्वेकर जी ने भी इस मस्जिद को आकर पर्सनली देखा, और अब जुमा मस्जिद के ट्रस्टी शुएब खतीब जी ने भी यहां आकर हालात का जायजा लिया। आइए सुनते हैं कि जनाब शुएब खतीब ने हमारे सवालों के क्या जवाब दिए। शोएब भाई, दक्षिण मुंबई में बोरी मोहल्ले में SBUT का प्रोजेक्ट चल रहा है और वहाँ पे इस्माइल हबीब मुसाफिर खाना मस्जिद को लेके कुछ दिनों पहले उसके डिमोलिशन को लेके वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ। कई पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर आए, उन्होंने असेंबली में इसके डिमोलिशन को रोकने के लिए आवाज़ भी उठाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को है इस स्ट्रक्चर को, इसका मतलब कि इस मस्जिद को जो है स्ट्रक्चर को हाथ भी नहीं लगाया जा सकता, रिपेयरिंग भी नहीं किया जा सकता। तो असेंबली में इसकी डिमोलिशन को रोकने के बदले वो लोगों ने इसकी रिपेयरिंग के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाई? हालांकि मस्जिद में अभी भी नमाजी आते हैं, और अल्लाह ना करे कोई स्ट्रक्चर गिरता है, कोई हादसा, बड़ा हादसा हो सकता है। मलिक साहब, आपने सवाल किया मेरे से कि असेंबली में आवाज़ उठाई गई, स्टेटस को है, ये सारी चीज़ें। एक आप आम आदमी हैं, एक आम आप रोजी रोटी कमा रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल के जरिए आपका एक पेशा है, बराबर है। आपको इतनी समझ है, इतनी शऊर है और इतनी चीज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, तो जिसने आवाज़ उठाया उसको इतना शऊर नहीं है कि मेरे को स्टेटस को के ऊपर बात करूं कि मैं कंटेम ऑफ कोर्ट कर रहा हूं, कि मैं क्या कर रहा हूं? इससे साफ और साफ जाहिर होता है कि पॉलिटिक्स हर जगह पर है और सियासत की जाती है, और वो सियासत की गई। इससे पहले भी वो यहाँ पर आके गए, 4 साल पहले भी उन्होंने यहाँ आकर दौरा किया, उसके बाद में एक बहुत बड़ा अरसा है, लंबा अरसा है मलिक भाई, 4 साल कोई छोटी छोटा अरसा नहीं है। 10 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के, 15 साल उन्होंने ज़िंदगी के यहाँ पर दिए हैं। आज रही बात SBUT की, तो SBUT जो है वो अपनी मनमानी के ऊपर, अपनी दादागिरी के ऊपर, अपनी असर और रसूख के ऊपर, अपनी हुकूमत के अंदर पहुँच के ऊपर, वो हर चीज़ के ऊपर काबिज हो गया। तो ये मस्जिद और ये मस्जिद के रहने वाले यहाँ के जो स्ट्रक्चर है, उस चीज़ के ऊपर भी काबिज हो गया। उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि ये स्ट्रक्चर इसी मस्जिद से और इसी मुसाफिर खाने का है, जो गिर के 4 साल हो गया है, आज इसमें स्टेटस को है ये नहीं हटा सकते, तो हम कहाँ पर है, हम किधर है? आज रास्ते बंद हो गए, आज हमको जाने के लिए, आने के लिए गलियों गलियों में घूमना पड़ता है, ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जुल्म जो है वो गालिब हो गया, और अल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है अल्लाह जो जुल्म को ख़त्म करेगा। शिव साहब, जब से ये मस्जिद का मसला हुआ है, हमने देखा है कितने इंटरव्यूज आए TV पे, सोशल मीडिया पे, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि इधर के जो ट्रस्टी है हारून नूरानी साहब, वो कभी आगे आए और कभी वो दिखे। देखिए मसला क्या है, जैसे हमारे भाई ने बताया कि 2016 में इसको सेल कर दिया गया, जो भी सेल एग्रीमेंट बना 11,000 स्क्वायर फीट का, तो वो क्यों आएंगे? उन्होंने अपना जो काम था, जो अपनी चीज़ें थी, उन्होंने कर ली। सफ़र कौन कर रहा है? सफ़र ये रहने वाले कर रहे, ये दुकान वाले कर रहे, यहाँ पे जो रहते थे वो कर रहे, ये मस्जिद, आज मस्जिद की दरो दीवार जो है 100 साल से यहाँ से सदाए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की उठ रही है, और अल्लाह कयामत तक के इंशाल्लाह यहाँ से यही सदाए उठाएगा। ये सारी चीज़ें सफ़र हो रही है, ट्रस्टी सफ़र नहीं कर रहे, ट्रस्टी ने अपना काम करके चले गए। सुप्रीम कोर्ट तक के जाने की ज़रूरत क्या थी? जब हाई कोर्ट के अंदर हमारे फेवर का ऑर्डर आ गया था, तो उसको चैलेंज करने के लिए उस वक्त ये फिक्र क्यों नहीं की गई थी? तो बोलने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें, हमको मुसलमानों की बदबख्ती है कि हम सिर्फ जो है वोट देते हैं और हमारे ऊपर ही उस वोट का गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके ऊपर जो मस्जिद है वक्फ की है, तो अब तक का वक्फ का क्या रोल रहा?
देखिए वकफ जो है वो कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, हाईकोर्ट में भी था, सुप्रीम कोर्ट में भी है। अब एक जगह पे एक मसला आके खड़ा हो जाता है कि हम इस मुल्क में रहते हैं तो हम इस मुल्क के कानून को मानते हैं, हमको मानना ही है क्योंकि हम इस मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारी बाबरी मस्जिद जो है वो शहीद कर दी गई, उसके बावजूद भी हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो सर आंखों पे बिठाया क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कानून आ जाता है, हाईकोर्ट आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है और जो उसका फैसला, जो उसका जजमेंट आ जाता है उसको हमको मानना ही पड़ता है। लेकिन उस मसले को उस दर्जे तक के ले जाने से पहले बहुत से मरहले लेते हैं जिसके अंदर ये जो नेता लोग हैं, ये जो काम करने वाले औकाफ के लोग हैं या जो लोग हैं वो लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी की किसी चीज़ पर बुरी नज़र पड़ गई तो वो फनाई होनी है। इस मस्जिद के लिए अब आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए इस मस्जिद के लिए लीगलिटी पे इस कदम उठाना पड़ेगा क्योंकि स्टेटस को है हम सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं है या कोई नेता सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं है। हमको सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगी कि स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं कोई नुकसान नहीं हो जावे, इसके लिए हमको एक गाइडलाइन बना के दी जाए। जब तक फैसला, जब फैसला आवे सर आंखों पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन हमको जब तक के हमारे लिए कोई गाइडलाइन बना के दी जाए, यही का एक यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। साथियों आपको एक अहम बात और बता दें कि 2021 में जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे मस्जिद तस्लीम किया और उसे डिमोलिश ना करने का ऑर्डर दिया और उस पर स्टेटस को लगा दिया, जिसका नतीजे में बीएमसी को मस्जिद के बाहर एक नोटिस लगानी पड़ी कि यह प्रॉपर्टी मस्जिद है और इसे डिमोलिश ना किया जाए। दोस्तों ये तो थी पॉलिटिकल लोगों की बातें, हमने वहां रहने वाले लोगों से जब बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया, लेकिन ऑफ द कैमरा कुछ सवाल सभी पॉलिटिकल लीडर से किए हैं। पहला सवाल कि जब से एसबीयूटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तभी से एसबीयूटी वाले 100 साल से भी ज्यादा पुरानी इस मस्जिद को प्रेयर हॉल बताने पर तुले हुए हैं और इसके बदले दूसरी जगह इसे भी बड़ा एक प्रेयर हॉल देने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोकल लोगों ने बताया कि बीएमसी और वक्फ बोर्ड की रिकॉर्ड में ये जगह मस्जिद ही है। इस प्रॉपर्टी को 100 साल पहले इसके मालिक मरहूम हाजी इस्माइल हबीब ने मस्जिद के लिए वकफ कर दिया था। दूसरा सवाल, लोगों ने बताया कि अमीन पटेल कहते हैं कि वो 4 साल पहले भी यहाँ आए थे और लोगों से कहा था कि उन्होंने उन्हें पेपर पहुंचाए, लेकिन लोगों ने अमीन पटेल साहब को पेपर नहीं दिए। सवाल ये भी है, जब लोगों ने पेपर नहीं पहुंचाए तो आपको चाहिए था कि उन्हें फोन करते और पेपर देने के लिए जोर देते, या फिर एमएलए होते हुए अपने ओहदे का इस्तेमाल करके ऑफिशियली तमाम डिपार्टमेंट से खुद पेपर निकलवा लेते। तीसरा सवाल, जब ये पता चला कि मस्जिद के ट्रस्टी हारून नूरानी ने मस्जिद समेत मुसाफिर खाने की पूरी प्रॉपर्टी को एसबीयूटी के हाथों इल्लीगल बेच दिया है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब लोगों का इन तमाम लीडर से एक ही डिमांड है कि सिर्फ बयानबाजी ना करें और वक्फ बोर्ड को इन्वॉल्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मस्जिद की रिपेयरिंग और रेनोवेशन का ऑर्डर लेकर आए, वरना एसबीयूटी खुदा ना ख्वास्ता उसके नापाक इरादे में कामयाब हो जाएगी। मैं मलिक फरीदी, खबरें एक्सप्रेस न्यूज़।